इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट अब मोरबी मामले की सुनवाई करेगा। मोरबी में विशाल तिवारी जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने जनहित याचिका लगाई है, उसे मंजूर कर लिया गया है। 14 नवंबर को इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस वक्त की यह बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मोरबी हादसे पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जी हां, 14 नवंबर को यह सुनवाई होगी अधिवक्ता विशाल तिवारी की जनहित याचिका पर यह सुनवाई होगी और यह याचिका मंजूर कर ली गई है। मोरबी हादसे के बाद पर अधिवक्ता विशाल तिवारी ने ये जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर अब सुनवाई होगी 14 नवंबर को। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो याचिका है इस पर मंजूरी दे दी है कि ये याचिका पर सुनवाई होगी। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सुनवाई होती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बता दें, इस हादसे में 134 के तकरीबन जो मौत का आंकड़ा है लोगों का, और चारों तरफ इससे लोग व्याकुल हैं और काफ़ी दर्दनाक ये भारत की घटना बताई जा रही है। विदेशों से भी लोग इस पूरे मामले को लेकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जो कि जनहित याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी ने लगाई है, उसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और अब इस पूरे मामले पर 14 नवंबर से सुनवाई होगी और इसमें पक्ष जो रखा जाएगा। हालांकि ये जनहित याचिका है जिसे अधिवक्ता विशाल तिवारी ने लगाया है। अब इस पूरे मामले पर सुनवाई 14 नवंबर को तय की गई है।